आज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, आप सभी का स्वागत है। और भाई सुबह सुबह ना अभी जस्ट खड़े हुए तो फोन समझ को सो फोन उठाता ही भाई, बस फिर हेल तो लागना ही था। अभी लेके जा रहा हूँ भाई चाबी आड़ो जोड़ो, माल लाइन फूट गई ना उस दिन, दिखा दो तीन दिन पहले। तो पहले तो बीच में बारिश हो गई थी, तो अभी तो बारिश को थोड़ा पानी कम सूख गया। और आज देखो धूप भी बढ़िया दिखाऊँ अभी आपने, धूप भी बढ़िया है। तो फिर आज लाइन खुद रही है तो अपन चाल कर भाई लाइन सही करनी पड़ेगी। फिलहाल तो लाइन ने भाई खोद खाद कर सही कर भाई वापस दुआर से दाबनी पड़ेगी नीचे जमीन में। तो फिलहाल तो आज भाई यो काम है। सूरज बढ़िया मस्त सो निकल रहा है, ये देख ले भाई ये वाली लाइन है, ये पूरा पाइप होकर जा रही है। बड़ा थोड़ी सी ऊपरली साइड भी फटेगी भाई, यो अपना जैसे बड़ा भाई लाग रहा है। मैं जेसीबी खोद के गई थी, सारो काम निपट गो तो वापस घर आया था खानों खाने के लिए। खानों खा के जाके काम कर लेंगा, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश आ रही है ना कि बस बताना उसको। एक बार बारिश देखो कटा उड़ा भाई सारो भर गो, अब तो सारा में पानी उनी बह गो, सारो खराब होगा आज तो। तो भाई अपनी झोपड़ी में आ गए तो, जो पहले बनाई थी ना कहना की होद पर बना रखी है अपनी, उसमें आ गए तो एम भाई एक पानी भी टोपो ना हो कुछ भी। और बहुत ही जोर की ना बारिश आने के लग रही है फिलहाल की डेट में। तो भाई ऐसा है ना कि इतनी जोर की बारिश है कि शायद तकरीबन 3 मिनट हुई है, 3 मिनट के आसपास, और खेता के अंदर पानी खड़ो कर दियो। इतनी जोर की बारिश आ रही है, कुछ भी ना देख रहे हो बारिश के अंदर, बहुत ही ज़्यादा जोर की बारिश आ रही है फिलहाल। तो देखो भाई कब से रुका है बारिश, कब से ना रुका है, उसके बाद में चाल के देख कहाँगा लाइन को क्या हाल है, क्या हाल को ना। अगर जो ठीक हालत में हुई मन तो लागा को ना कि ऐसा कुछ मिला वो ठीक हालत में, भाई खराब ही मिलेगी, पूरा नाले के अंदर पानी भर गोगा और सारी मिट्टी खराब होगी होगी। तो फिलहाल तो भाई जाके देख के, और भाई अपना जो भी सामान वगैरह था ना अपना बैग वगैरह जो भी मैं मॉर्निंग में लेके गए तो सारा भाई वापस ले आऊँगा और रख लेंगा। उसके अगले दिन एक दो दिन बाद में जब भी टाइम लगेगा ना अपनों, उसके बाद में फिर भाई मैंने दाब जाऊँगा दोबारा से वापस लाइन ने सही करके, फिर वापस दबा देंगे। अभी तो भाई बस बुरी हालत हो रखी है, बस बताना इसका आ तो पसीना पसीना होगा था, खोद गया था फिर खानों खाना आया और अब भाई हालत ख़राब कर दी राम जी ने। भाई बताओ ना सबसे गंदे किस्मत है भाई, बुरो हाल कर दियो राम जी ने। अभी चाल के देखेंगे भाई कितनों के बुरा हाल का। अभी तो यूँ देखना कि रुके कब की बारिश, अभी तो बारिश ही ना रुक रही, बहुत तेज़ बारिश आने के लाग रही है। देखो कब तक रुका है बारिश, बारिश रुके बाद में एक बार चल कर फिर देखेंगे और फिर देखेंगे भाई क्या हालत है, क्या हालत कौन ना। ये देख लो भाई, एक तो यह सॉकेट लगाई है और एक वह सॉकेट लग रही, और बाकी भाई पूरा ये पंप ही है, ये टुकड़ा भाई ऊपर चढ़ाना पड़ेगा ऐसे, देखो ये चढ़ा रखा भाई ना। बारिश आ गई थी तो बारिश की वजह से ना कुछ भी काम ना हो पाए, भीगा था सारो भाई पानी निकालो है बाल्टियाँ काफ़ी ज़्यादा परेशान होगा था। और फिर भाई पिकअप लेकर आया ना, तो पिकअप से फिर सारो मटेरियल लेकर आया, काफ़ी ज़्यादा हद तक परेशान होगा और भाई हालत ख़राब हो रखी है। और भाई बारिश हुई थी लेकिन बारिश होने के जस्ट बाद में फिर चिलचिला गई थी, धूप आ गई तो भाई पसीना हो रखा ही। फिलहाल भाई घर जाकर सबसे मेन बात है भाई घर जाकर नहाऊंगा और भाई आप सबसे दिखाऊं भाई नई वाली पिकअप है ना यार, तो भाई ब्लर वालों पूरा ब्लर वालों सिस्टम है मैं, तो आपने चल के दिखाऊँ हूँ। और देखा भाई आज शाम अगर श्याम बाबा के चल पाया तो श्याम बाबा के भी चलाऊँगा, बाकी जितना हो उसके विचार है भाई चलन को, बाकी देखो कि वैसर के ना भाई और भाई बाइक लेके जा रहे हैं, आप भाई पिकअप लेके चल रहे हैं फिलहाल, तो चला अभी तो भाई बाल्टी लेकर था पानी निकालवा खातर, यो सारो सामान जम डीजल वगैरह और भाई फावड़ी गेंती पंप उम्प। फिलहाल तो ना भाई सारों को सारो सामान रख दियो और अब भाई पिकअप लेकर चालना से परेशान हो ले भाई काफ़ी हद तक। हाँ अभी देखो भाई देख लो भाई काफ़ी वैसे ही है, देख लो बलेरो वालों को पूरा भाई बलेरो वालों सिस्टम है। इसके अंदर दिखाऊँ आपने
और भाई एसी वाली में, एसी में या तो एसी में भाई काफ़ी स्मूथली भाई ठीक ठाक मजा आवे। और भाई बलेरो को एंड को एंड ब्रेक भाई साइड में दी, और भाई ऑटोमेटिक डोर ये शीशा चढ़ाने वाला ही। भाई एसी में बैठे बाद में ना काफ़ी अच्छी फील आवे भाई, तो फिलहाल तो लेकर चला हाँ, और भाई देखा हाँ कितनों के एक्सपीरियंस, बाकी चला काफ़ी मस्त है भाई, देख लो भाई काफ़ी मस्त सी चला है। और भाई एसी चला रखी है तो काफ़ी स्मूथली मजो आ रहा है गाड़ी में। और भाई बढ़िया बेस वगैरह टिकवा रखी है भाई एम, वैसे ऑटोमेटिक भाई शीशा चढ़ाने वाला आई को ना, लेकिन भाई इस पिकअप के अंदर ना लगवा रखा है बेस सिस्टम भाई, हमें ऊपर लगवा रखो है सिर के ऊपर, जैसे मान लो मेरी हाइट अब मान के चल लो भाई। वापस चला गया था लेकिन फिर वापस अब फिर से दोबारा वापस आया क्योंकि लाइट आ गई, तो भाई बोलो कि एक बार चेक कर लो, तो फिर दोबारा से भाई वापस अब पिकअप घुमा के लेकर आया और देखने खातर कि भाई कहते लीकेज वगैरह या फिर जो भी दिक्कत हो ना तो इसी टाइम पर पता चल जाओ। तो भाई फिलहाल यह चीज़ चेक कर रहा, तो देखा फिलहाल है चीज़ ने, और आप सभी सब दिखाऊँ पानी आने वालों है। शाम जी के चालन को प्लान हो तो जाऊँ था, तो भाई के तो कैंपर से जाऊँ था और के भाई गाड़ी से जाऊँ था, लेकिन अब इतना मतलब कि 8-10-12 बंदा जुड़े, 8-10 तो हम खुद होगा और भाई उनके साथ 7-8 हो रही, तो फिलहाल तो भाई मुख भाई पिक जाओ पिकअप लेके चलो आज फ्री से, और मुख भाई ए सिम से चला बल ड्राइवर ए सी लो, बाकी सारा पीछे भाई त्रिपाल में बैठो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात को ना। तो फिलहाल तो देखो भाई फिलहाल तो पिकअप से जा रहे हैं कि हिमांशु भाई घर का मना कर दिया, तो हिमांशु खातर जा रहे हैं, हिमांशु लेकर आएगा, अगर हिमांशु घर का बोला कि हाँ भाई ठीक से ले आओ चला जाओ तो हिमांशु लेकर चला जाएगा, नहीं तो अब देखो मान लेके जो भी बनाए जा पाँ या ना जा पाँ अभी कन्फर्म नहीं हो, मतलब कि ना धो लिया सब कुछ कर, लेकिन फिर भी कन्फर्म को ना तो चाल कर फिर बताऊँ कन्फर्म है या कौन है जो भी चीज़ है, ले घुमा ले घुमा ले ठीक है। तो अभी तो भाई यो काम कर रहा है और फिलहाल देखो, और मोहित कन भाई लाइसेंस है तो विदाउट लाइसेंस जान को कोई फायदा को ना, मोहित भाई अच्छा ड्राइवर भी है बढ़िया चला ले है, चला तो मैं भी लूँ, लेकिन फिर ऐसा को ना कि भाई एक तो लाइसेंस होना जरूरी है, तो भाई मोहित है, मोहित तो जैसे भी भाई साथ जानूँ तो मोहित कन लाइसेंस भी है तो बढ़िया है, तो फिलहाल भाई मोहित कन चलाएंगे, मोहित कन लेवाऊंगा हिमांशु लेके चल लाँगा और सारा भाई चल रहा है फिलहाल, तो भाई चला हाँ और उसके बाद देखा अगर चल पाँ या ना चल पाँ जो भी बात। वैसे मोहित कन आगा आराम तो भाई अपन झोटो देखने मिला है, झोटा भी लिखवा लो भाई राव साहब भाई जोर काम करा लो, और भाई यह वाली ना थोड़ी टेप सी फाट गई थी कि तो एक भाई ब्लैक लेमिनेशन करवा दियो, अब काफ़ी मस्त सो लाग रहे हो, थोड़ी सी फट गई थी इसको दोबारा से लिखवाने को मन थो, लेकिन आप भाई ब्लैक टेप मरवा देना काफ़ी मस्त सो लाग रहे हो। और भाई सबसे मस्त चीज़ ना यह लगा भाई राव साहब भाई जोर को लाग रहे हो बम्पर कुछ भी बात हो। फिलहाल ना भाई सारा भाई ना रेडी हो ले ही, और शाम का तकरीबन 7 का आसपास हो रही, फिलहाल तो भाई चलना है, और मैं कैप ले रखी क्योंकि मेरा बाल खराब ही ना, और भाई एक बार देखो शायद कोई गाड़ी में मजो को ना, तो भी तुम तो भाई अपनी पिकअप में मजो आ रहे हो, सारा भाई गिर के ना और 5-10 के आसपास सारा भाई ना आगे खड़ा ही, तो उड़ चल ये देखो भाई गद्दा एक बार देखो भाई पीछन गद्दो लगा रखो, और ये देखो भाई मोहित कोको भाई धरो है, और भाई ये टोपी आगे रखनी अपन फिलहाल तो चला भाई यो वाला दे लो गद्दा 3-4 टेंट वाला सोफा ना जो व्हाइट कलर में रखा है वे भी रखे हैं भाई घर पे ना सोफा वे रखा था, फिर उनको ना मतलब बारिश वगैरह आ जाए या फिर जो भी बात हो जाए तो थोड़ी दिक्कत वैस कैसे, तो उन चक्कर में ना पहले ही घर पे रख दिया था, और ये वाला ना गद्दा ये गद्दा ले लिया तो सोफा रख दिया था, तो फिलहाल तो भाई चला हाँ। और एक बार कैप दिखाऊँ कितनी कैप, सारा बाल कैंगन कैप भाई सारा जितना भाई है ना सारा सारा कैप देखो भाई कैप एक मिनट यार भाई मोहित अपना ड्राइवर है, तो भाई फिलहाल तो जिंदगी मोहित को पर्यटक रही अपनी पता कब क्यों जाओ। और भाई ये देख लो सारे अन बेचारा का फोन ना कटे बिजनेसमैन ना का, तो फिलहाल भाई को फोन आ रहा तो चल रहा अपनी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, और फिलहाल तो भाई चल रहा, तो भाई जय श्री राम और भाई जय श्री श्याम को नाम, जय श्री राम और जय श्री श्याम भाई फिलहाल चला हाँ आगे देखा भाई कोई दिक्कत ना हो, सारा भाई भाई आराम से घूम फिर कर भाई वापस आ जा ऐसी कोई बात ना हो, फिलहाल तो भाई यही है भाई मोहित अपना ड्राइवर है भाई काफी बढ़िया गाड़ी चला हुआ है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात भी को ना फिलहाल चला हाँ, 2-3 भाई आगे और खड़े ही भाई अल हर फिर निकला हाँ भाई फिलहाल सारा भाई आगा बैठगा, और भाई अब गांव से निकल रहे हैं मोहित अड़का सा, और फिलहाल भाई निकला अब देखो दो यू मंदिर पड़ा है भाई आरती उबाक लाग रही मंदिर के अंदर जो भाई अपना शिव जी महाराज को मंदिर अभी ना भाई पहुंचगा, फिलहाल तो पता को ना भाई किच्ची रुका महाराजा होटल ही था पास में ही, तो वह भाई खानो वगैरह खाओ खानो खा कर फिलहाल भाई निकलांगा, निकल कर भाई यहाँ से पड़े है तकरीबन 56 मान लो 55-56 के आसपास पड़े है, तो बहुत सी गाड़ी भी जा रही है श्याम बाबा के, तो भाई हम तो रास्तों तो पता है लेकिन नॉर्मल पता भाई GPS से चल रहा है, एक पहली बार ही जा रहा है ना गाड़ी लेके, तो ज़्यादा कुछ पता होगा ना तो भाई GPS ले रखो है, और भाई चल रहा हाँ
और एडा सा 55 के आसपास किलोमीटर पड़ रहा है। तो भाई फिलहाल तो चला जा रहा मजा आ रहा है। और सारा भाई रुक गया था भाई होटल पर खाना खाए, और फिलहाल भाई अभी चला है जनरली स्टार्ट रखा। क्यों वाला होटल है भाई, देख लो रास्ता में पड़े, यहाँ से पड़े 55 के आसपास किलोमीटर। तो यहाँ से बैठा है भाई, सारा भाई देखो पहले की वीडियो बना। भाई ना इतना ज्यादा ट्रैफिक ठुक रहा है ना, बस बता ना इसका, बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है, बस के बतावा आपने भाई, ट्रैफिक में फंसा हुआ। अभी बचो है शायद तकरीबन 15 या 20 के आसपास बचो है लोगों की बाइक में। ये भाई पहुंच गया भाई शाम नगरी में फिलहाल। तो भाई यो देख लो शाम जी का गेट का नागा भाई अंकित लेकर, भाई नहीं पता तो रास्तो, और ए वाला गेट से अपन अंदर एंटर होना है क्योंकि मैं काफी भीड़ कम है हूं। दूसरा वाला ना भीड़ थी, यो वाला रास्तो, और अपन आया भाई ए वाला रास्ता जड़े बस वगैरह लगे। ए वाला रोड पे ना भाई सच में काफी कम भीड़ है, मन ने भी ना पता तो भाई, मोहित ने भी ना पता तो, यो वाला रोड पता तो सिर्फ भाई अंकित ने, और भाई 8-9 जना आया ना सारा बताई दियो तो पहले भाई मस्ती से आगा, कोई ज्यादा दिक्कत ना हुई, आराम से आगा। फिलहाल चल रहा है भाई आराम से दर्शन करा था, और वैसे ना भीड़ काफी ज्यादा है तो शायद शूट वगैरह ना करवा दें क्योंकि कैमरा वगैरह गिर जाओ, क्योंकि मेरे पास फोन ही है तो गिरा वगैरह देंगे ना तो दिक्कत हो जाओगी, तो शायद मैं शूट ना ही करूंगा। और बाकी उड़े चाल के देखा, अगर शूट कर पाए तो मैं शूट कर आप सभी ने दिखाऊंगा। और बाकी भाई अंकित देख लो, भाई अंकित अपनू भाई नहीं पता तो रास्ता को, और भाई ले आए फिलहाल तो चल रहा है भाई। सबसे मेन बात ना भाई भीड़ देखो, और आगे चल के और दिखाऊं क्योंकि ए वाला रास्ता पे तो बहुत कम लोग आई, आगे चल के दिखाऊं आप सभी ने भीड़। हाँ बहुत कम पतो है, बस नॉर्मली को बंदा आए ही, बाकी सबने ना पतो ज्यादा है रास्ता को, नॉर्मली लोगों ने पतो है। और ये देखो भाई काफी कम भीड़ है ए वाला रास्ता पे, आगे चल के यो देखो ऐडा सा भीड़ स्टार्ट हो जाओगी पूरा रास्ता पे, और भाई दबा के भीड़ चलेगी। सबका सबना भाई दर्शन करके आ रही है, ए वाला रास्ता निकाले ही सबने निकाली है, और भाई हम और कुछ लोग भाई जा रहे हैं रास्ता सा, बाकी बहुत कम लोग जाए हैं रास्ता सबने, क्योंकि वो वाला रास्ता ना ए वाला रास्ता सा निकाले ही और हम एंटर हो रहे हैं इसी रास्ता सा, तो ना भाई काफी कम भीड़ है क्योंकि भाई अंकित ने पता तो माने तो पता ना तो, और भाई वैसे भी पूछो तो बोले आप लोग ना जा सको वाला रास्ता, ए वाला रास्ता जा रहा हैं। और भाई मजाक बना रखो है देख लो, कर दिया करो यार सब्सक्राइब, ये तो मजाक बनाई कम से कम, तुम तो मत बनाओ ऐसा, मत करो यार भाई के साथ ऐसे थोड़ी पड़ेगा। मोहित के ना भाई बिल्कुल हालत ना कड़ेगा भाई, मोहित के ना भाई हालत ना खराब हो चुकी है पैदल चाल चाल के ना, बिल्कुल। और कुछ होना भाई साउंड पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, दबा के भाई साउंड पोल्यूशन बहुत ज्यादा है भाई, गाना वगैरह बजा रखा है और बस के बताऊं। देख लो भाई काफी ज्यादा भीड़ बढ़ गई भाई यहाँ वाला पे, क्योंकि निकाल वाला की भीड़ है और साइड ना जान वाला की भीड़ है, बिछाण का लाग रहे हैं। और अपना भाई देख लो भाई सारा भाई आ रहे हैं भाई, अपना फिर दोबारा से वही रास्ता ले लियो भाई, ये वाला रास्ता बिल्कुल खाली है और वो दूसरा वाला रास्ता सेंटर कर रहा था, तो ये वाला रास्ता ना फिर बंद कर दियो आप भाई, दोबारा से एक नया रास्ता निजात करो है। तो फिलहाल भाई ये वाला रास्ता निकल रहा भाई, अपना प्राचीन शिव मंदिर ये वाला रास्ता से भाई घूम के जाना अपन। भाइयों एक और मंदिर है, और भाई यहाँ वाला रास्ता पर ना अब काफी भीड़ आ गई, यहाँ वाला रास्ता भाई फिर से दोबारा से भीड़ आ गई। अब देखो भाई अंकित कितने जाके छोड़ डर, कितना ले जाके छोड़ दे माने, कुंड वाला रास्ता पे ना रास्ता पे ना जा रहा, थोड़ा वैसा सीधे जाओ है तो वह वाला रास्ता पर निकल रहा है, जो वाला रास्ता ना काफी सही है। और भाई यो चेक करो एक बार,
देख लो भाई भीड़ देख लो एक बार, दर्शन करके ना जस्ट निकला। और भाई उड़े शूट करने खातर मना कर दे तो भाई, क्योंकि सीधा डायरेक्ट दर्शन करवा दिया था तो बोल भाई शूट वगैरह मत करिए। अरे यार भाई ना गेट का ना आगा देख भूख है सार कुछ देखा है। और भाई फिलहाल गेट के पास आगा, गेट के पास आके और भाई काफी ना ज्यादा भीड़ लगी चुकी है। और भाई गाड़ी वगैरह और बस वगैरह सारी ना भाई तेरा या ऊपर के क्रॉस हुई थी परली साइड के चलना अपने। अभी दिखा भाई आपने और भाई आया है सारा भाई देख लो बोल श्याम प्यारे की जय। भाई फोटो वगैरह खींच ली सारा भाई ने, अब फिलहाल जा रहा है सारा का सारा वापस अपना उसी रोड सर। भाई फिलहाल ना घर निकलनु है, बहुत जल्दी दर्शन होगा देख लो कितनी जल्दी दर्शन करके वापस भी आगा। अब निकल रहा है घर की तरफ भाई, फिलहाल ना पूरा काम खत्म हो गया भाई, घूम लिया फोटो खींच ली भाई हर चीज कर ली। और फिलहाल भाई जो रास्ता से आया था ना वही रास्ता से वापस जा रहा। और साउंड भाई ये भी बहुत ज्यादा साउंड है, शायद मैं बोल रहा हूँ शायद बहुत कम आवाज आ रही होगी, देखांगे जब ब्लॉग एडिट करांगे ना तो उस टाइम पर चेक करांगे चीज ने, लेकिन फिलहाल ना भाई बहुत ज्यादा साउंड है भाई। भाई अर्जी जाया है सारा भाई, भाई जयकर बोले यार भाई सारा का ना गला बैठ गया फिलहाल के डेट में, तो सारा का गला बैठ रहा है, सारा भाई ढीला हो चुका। और भाई ये बैरिकेड भाई पुलिस की भी जिंदगी देखो भाई, यहाँ की जिंदगी बेचारा की खड़ा खड़ा निकाल रहे, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं पुलिस वाला। चल ना भाई जाया है मंदिर में जाया और अपनी भाई गाड़ी के अंदर आगा। फिलहाल भाई चला घर, क्योंकि घर जाने में भी लाग जाएंगे तकरीबन 3 से 3.5 घंटा आराम से लाग जाएंगे भाई। और देखो रात को समय ट्रैफिक कितना मिला है, बाकी तो 2 बज रहे हैं, 2 बजे ट्रैफिक नहीं मिलना चाहे तो फिलहाल तो भाई निकला जितनी जल्दी हो सके भाई आराम से, क्योंकि प्यार से चलना अपन ज्यादा तेज तो कोई चलाने को ना आराम से चलना तो भाई चला। वैसे ट्रैफिक बहुत ज्यादा था आज, आता टाइम भी बहुत ज्यादा टाइम लागो तो ज्यादा टाइम देखा कितना समय चल रही हुई। पड़ा है भाई नीम का थाना बाईपास से पहले टोल पे पहुंच लिया भाई। और फिलहाल टाइम हो रहा भाई 2:47 को, 2:47 हो रही है भाई। फिलहाल नीम का थाना के पास जो टोल पड़ा है ना टोल पे आ लिया अभी भाई, और लग जाएंगे अभी पड़ा है ऐडा सा शायद 55 किलोमीटर के आसपास पड़ा है तो। और अभी बच गो भाई खाली शायद 30 किलोमीटर बचा है ओनली, तो अभी रुके हैं भाई चाय वगैरह पीने के लिए, भाई और सारा चाय पीएंगे और भाई ठंडा वगैरह पी रहे हैं। तो रुक गया था होटल के ऊपर भाई पीछे नॉर्मल भाई, अभी ना फिलहाल के डेट में तो भाई सुबह का 3 बज बंद जा रहे हैं तो भाई ढाबा ही खुला मिलेंगे ना, तो भाई ढाबा पर रुके हैं रुक कर भाई चाय वो पी के और फिर निकलेंगे। हाँ 3:20 होगा 3:15 मान ले 4 को टाइम हो रहा है ना, तो भाई ये खुला मिलेंगे होटल पर। तो बज रहे हैं 4:30 बजे ना भाई मोहित का फार्म हाउस पर पहुँच गया और सारा भाई ने उको वगैरह पी रहे हैं भाई। फिलहाल तो मैं ब्लॉग को एंड करूँ, बहुत ज़्यादा बड़ो ब्लॉग होगा तो आशा करूँ आप सब लोग ठीक होंगे स्वस्थ होंगे। और भाई श्याम बाबा का तो जाया है तो शायद आप लोग भी जितने भी गए तो भाई मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा शुभकामना सारा भाई ने। और भाई फिलहाल बहुत ज़्यादा रात होगी तो फिलहाल भाई घर चला, मैं ब्लॉग को एंड करूँ तो भाई लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो और भाई दबा कर सब्सक्राइब।